हेलो दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि सामान्य अवस्था में कोई भी बॉडी है यानी कि कोई भी पदार्थ है वो उदासीन अवस्था में रहता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीन अवस्था में किसी भी पदार्थ के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ये दोनों बराबर होने के कारण पदार्थ को न्यूट्रल रखते हैं, और पदार्थ जब न्यूट्रल होता है तो इस न्यूट्रल को हटाने के लिए यानी कि इसकी उदासीनता को समाप्त करने के लिए हमें चार्ज की आवश्यकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि वो पदार्थ धनावेशित हो जाता है। यदि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस पदार्थ पर ऋणावेश हो जाता है, यानी कि निगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये सब किस कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को हम स्थानांतरित कर रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक सब पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। और जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करते हैं तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी है ये क्या प्रदर्शित करती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो पदार्थ धनावेशित हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसमें जो चार्ज की बात आई, बार बार चार्ज चार्ज हम बोल रहे हैं, जैसे धनात्मक चार्ज, तो चार्ज ये होता क्या है? चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पदार्थ का गुण होता है। तो पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, या फिर इन दोनों का पदार्थ जो है अनुभव करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पदार्थ का गुण है, यानी कि वस्तु का जो गुण होता है, ये इसी को हम चार्ज कहते हैं। बच्चों, चार्ज को जब समझा गया तो इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हम इसको अपनी लॉन्ग वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाने वाले हैं कि चार्ज किसको कहते हैं, किस कहां से स्टार्ट हुआ। जैसे थेल्स नामक एक दार्शनिक था, उसने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये सारी डिटेल जो है, इस पूरी डिटेल को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको अपनी लॉन्ग वीडियो में। और फिलहाल हम इतना बता देते हैं कि यहां पर जो चार्ज है वो किसी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, हम आज से अपने इस चैनल पर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टेड के साथ ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको कि जो नीट के एग्जाम में और जो IIT JEE मेंस या फिर IIT JEE एडवांस के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को भी हम एक एक करके ऑपरेशन करने वाले हैं, उनका विश्लेषण करने वाले हैं। और जब उनका हम विश्लेषण करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाए और आप उन टॉपिक्स को अच्छे से वहां पर करके आए। इसके साथ साथ एयरफोर्स और NDA जैसे एग्जाम में भी जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों का भी हम अपने इस चैनल पर ऑपरेशन करने वाले हैं। तो इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया गया बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।